हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं लाइव ट्रेड लेके $50 एंड $100 की रियल अकाउंट के साथ। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, रियल अकाउंट का बैलेंस $311। तो आज मैं यहां से ट्रेड आपको लेके दिखाने वाला हूं, प्लस एक स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। RSI प्लस बोलिंजर बैंड की जो स्ट्रैटेजी है, आज कैसे अप्लाई करेंगे हम बायनोमो के अंदर और कैसे इसके बेसिस पे आज हम ट्रेड लेने वाले हैं, ये भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली है। प्लस या तो आज ये रियल बैलेंस है, ये तो जीरो होने वाला है या फिर इंक्रीज होने वाला है, यही चीज होगी। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, मजा जरूर आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और डिस्क्लेमर ही समझ लो यार, वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आई तो, नहीं पसंद आई तो यार ओपनली डिसलाइक करके जाओ। बट अगर अच्छी लगी अप्लाई करो स्ट्रेटजी, लाइक करके जाओ। और दूसरी जो चीज़ है वो ये, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो अभी तक तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, सीरियसली बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो अभी ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और सब्सक्राइब कर देना यार, चैनल पे बिल्कुल नए हो तो क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलने वाले हैं जो कहीं भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है यार, कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये रियल अकाउंट जो है आप चेक कर पा रहे हैं, कुछ को लगता है ये HTML बेस्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ पेज को, ताकि आपको इस तरीके का कोई डाउट ना रहे कि ये जो रियल अकाउंट है किसी तरीके से इसके पीछे कोई ट्रिक है यार, HTML का कुछ मैंने यूज़ किया है। तो अब चेक कर पा रहे होंगे ये इंटरफेस बायनोमो का है। रिफ्रेश मैंने करके दिखा दिया है रियल अकाउंट को। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या इंटरफेस चल रहा है इसके पीछे, और क्या आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये ऐसा नहीं दिखता जब आप बायनोमो को ओपन करते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप बायनोमो को आप मोबाइल वेब से मोबाइल से एक्सेस करते हो या फिर आप एक्सेस करते हो अपने लैपटॉप से वेब पे, तो यहाँ पे 15 सेकंड्स पे एक बार करके देखते हैं। इस तरीके कुछ इंटरफेस आपके सामने सबसे पहले आता है जब आप खोलते हो। अब बात करते हैं कैंडल की, तो यहाँ पे कैंडल पैटर्न नहीं होता है आपके पास, यहाँ पे माउंटेन आता है आपके पास, इस तरीके कुछ पैटर्न आता है। और यहाँ पे मैंने दो अभी इंडिकेटर अप्लाई कर रखे हैं, बोलिंजर बैंड और RSI। तो जब आप स्टार्टिंग में इसको करते हो तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं आएगा आपके पास। तो ये इंटरफेस आप नेकेड इंटरफेस देख पा रहे हो, ये इंटरफेस है सबसे पहले जब आप बायनोमो को डाउनलोड करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो स्ट्रैटेजी है उसको वर्कआउट कर सकते हो, किस तरीके से वर्क करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे या तो कैंडल्स को चूज़ कर लेना है या आप बार को कर सकते हो, जैसा कि आप जो भी प्रेफर करो। उसके बाद टाइमिंग आपको ग्राफ की जो है 1 मिनट सेलेक्ट कर लेनी है। क्यों, यहाँ भी थोड़ा सा शायद नेट की इशू है, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। तो यहाँ पर आपको जो है टाइमिंग जो है 1 मिनट सेलेक्ट कर लेनी है। अभी फिलहाल यहाँ पे 1 मिनट का एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिकॉज शायद नेट वीक चल रहा है। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, ताकि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपसे आगे डिस्कस करता हूँ कि क्या करना है। टाइमिंग आपको हमेशा याद रखना है 1 मिनट की रखनी है ग्राफ की टाइमिंग। लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि यार सर बताइए कि किस तरीके से ये जो है टाइमिंग का इशू रहता है। यहाँ पे देखिए न्यूज़ इंपैक्ट करना स्टार्ट हो गई है, इस करेंसी पे हम ट्रेड नहीं लेंगे तो हम दूसरी करेंसी पे ट्रेड लेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्राफ किस तरीके से यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब चेक कर लो, ये देख पा रहे होंगे आप इंटरफेस इस तरीके का आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इंडिकेटर्स में और RSI को अप्लाई करना है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग सेम रख लेना है, सीधा अप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है बोलिंजर बैंड पे जाना है आपको, यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट सारी एप्लीकेशन जो सेटिंग्स है अभी सेम रखो। चेंजेस करेंगे, चेंजेस करने का भी टाइम आएगा, बट फिलहाल नहीं। तो अब इसको जूम कर लेना है, अगर आपको समझना है तो। थोड़ी चीज़ें जूम कर लिया है। अब एक बात याद रखना यार गाइज, ये जो स्ट्रेटजी है किस तरीके से वर्क करती है, ये पीक पॉइंट पे जाके आपको ये जो वाइट कलर की लाइंस देख पा रहे हो, इसी के अंदर आपका जो है पूरा रहने वाला है, टर्बुलेंस एरिया जिसको बोलते हैं। आप इसके अंदर ही सारी चीज़ें रहेगी, आपका ग्राफ इसके अंदर ही चलेगा। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे, हल्का सा यहाँ पे मूवमेंट ज़रूर हुआ था, बाहर जाने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो हमेशा इसके अंदर ही रहेंगी कैंडल्स। अब इसको भी थोड़ा जूम करते हैं और ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, ये बाहर जाना स्टार्ट हो गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, बट ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। अब इसका मतलब हमें सीधा पता है जो ट्रेड है अगले 2 मिनट के लिए ऊपर रहने वाली है। तो यहाँ पे अभी जो टाइम हुआ है 34, तो मैं 36 करते देता हूँ टाइम, और जो है ट्रेड मैं ऊपर के लिए लूँगा। हल्की सी कन्फर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, मुझे RSI से भी अभी कन्फर्मेशन नहीं मिली है। नीचे देख पा रहे होंगे आप RSI, वो भी एकदम नीचे ज़मीन को टच ही करने वाला है। अगर उससे मुझे थोड़ी सी कन्फर्मेशन मिल जाती है तो मैं ट्रेड ऊपर के लिए ही लूँगा। बट थोड़ा सा वेट, हल्का सा मूवमेंट की थोड़ा सा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है $50 है, आप चेक कर पा रहे होंगे $50 की इन्वेस्टमेंट पर लेंगे। 45 सेकेंड्स अभी टाइम रिमेनिंग है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है इसने, हल्का सा भी ऊपर मूवमेंट था
लेकिन अभी फिलहाल अभी भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, कंफर्मेशन की वेट करेंगे। देखिए फिर से नीचे जाने स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी ने ट्रेड ले ली होती तो भी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए कहता हूँ हल्का सा वेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी बिना कंफर्मेशन के कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बिना पूरा कंफर्म होने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभी यहाँ पे $50 की बात कर रहे हैं, छोटी अमाउंट नहीं है, $50 ₹3,500 इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग लगभग। तो इसलिए यहाँ पे बिना कंफर्म हुए अगर हम ट्रेड लेंगे तो वो लॉस पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिली है RSI की तरफ से, ऊपर जाना स्टार्ट हुआ RSI, अगर आप चेक कर पा रहे हो यहाँ भी ग्राफ ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली है ऊपर के लिए, डॉलर है 50 इन्वेस्टमेंट 37 में, यानी कि हमारे पास अभी टाइम है ऑलमोस्ट 2 मिनट्स का, और देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले एक बात बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अगर आपकी स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, यहाँ पर चेक करो, अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेक करते हैं तो ये रेड कलर की जो कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ग्रीन कलर की कैंडल्स आपको बननी स्टार्ट हुई, दिखनी स्टार्ट हुई है। तो जैसे ही आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स दिखनी स्टार्ट हो तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। आपको लगता है कि अब ये पैटर्न यहाँ से ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता तो आपको कैंडल से जो आपको ट्रेड है वो ऊपर के लिए ले लेनी है। अब यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर की जो कैंडल बनी हुई है इतनी बड़ी, इसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल मुझे मिली छोटी सी, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि मेरे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं था। बट अब फिलहाल में अब मेरे पास ये कन्फर्मेशन है और इस कन्फर्मेशन के बाद मैंने यहाँ से जो है ट्रेड ऊपर की तरफ ले ली। मुझे कंफर्मेशन कहाँ से मिला, आपको पता ही है, मुझे कंफर्मेशन मिला सेकंड कैंडल से, क्योंकि सेकंड अगर एक कैंडल ग्रीन बनी है तो ये देखो ये जो वाइट कलर की लाइन है इसको क्रॉस किसी हद तक इस एक कैंडल ने कर दिया, बट दूसरी कैंडल इसको क्रॉस नहीं करने वाली है। हमारे पास 41 सेकेंड है और फॉर श्योर हम ये ट्रेड जीतने वाले हैं। अगली जो ट्रेड है हम लेंगे $100 की, इन्वेस्टमेंट सेट कर लेते हैं, बट थोड़ा सा और कन्फर्म होने के बाद हम लेंगे। अभी कन्फर्मेशन थोड़ा और लेंगे उसके बाद हम ट्रेड लेंगे अगली, ठीक है। अब देखते हैं यार, ये तो ट्रेड जो है हम जीत ही जाएंगे, बट नेक्स्ट ट्रेड का देखते हैं क्या है, कोई पर्टिकुलर कंफर्मेशन कहीं से अगर हमें मिलता है। अब ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा, बाकी उम्मीद करूँगा कि हाँ यहाँ पे ये जो हमने ट्रेड ली थी अभी फिलहाल जो है जीत गए हैं। आप चेक कर पा रहे होंगे हमारा जो बैलेंस है $352 हो गया है, यहाँ पे हमारा जो बैलेंस था $311 था, यहाँ पे $352 हो गया, तो ये जो ट्रेड है हम जीत चुके हैं। अब नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर इसी करेंसी पे अगर हम ट्रेड लेते हैं अब के लिए तो भी हम जीतने के हमारे ज़्यादा चांसेस हैं, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन लेंगे। 2 मिनट का टाइम हम सेट करके रखेंगे, 2 मिनट के टाइम पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 37 है तो 40 पे हम एक्सपायरी टाइम रखते हैं इसका, और इस बार इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो रिस्क भी बड़ा है और ध्यान भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमेशा आपकी जो स्ट्रेटजी है वो तभी वर्क करेगी यार जब आप दिमाग लगाओगे, अच्छे से करोगे, और ऐसे नहीं वर्क करेगी अगर थोड़ा बहुत उसके पीछे सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। हर एक चीज़ तभी वर्क करती है जब आप प्रॉपरली उसके पीछे पूरा फोकस रहते हैं। अब यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे यार, ये लाइन है वाइट कलर की थोड़ी सी नीचे चली गई है और अभी उम्मीद है ये ग्राफ और नीचे जाए, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। $100 में यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करूँगा बिना कंफर्मेशन के। अब यहाँ पे चेक करते हैं कोई और ग्राफ में, तो यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन फिलहाल की तरफ से मेरे को नहीं मिल रहा है, ना तो RSI की तरफ से और ना ही बोलिंजर बैंड की तरफ से। अब GBP ऑर्ड पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन डेफिनेटली है तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे इस रेड कलर की एक कैंडल बनी, तो दूसरी कैंडल जैसे ही रेड कलर की बनती है तो आपको डाउन की तरफ ट्रेड ले लेनी है बिना सोचे समझे। यहाँ पे एक कैंडल आपको ग्रीन दिखी तो दूसरी कैंडल पे आपको 2 मिनट के लिए ट्रेड ले लेनी है ऊपर के लिए, और डेफिनेटली आप जीतने वाले हो। स्ट्रेटजी मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक समझ रहे होंगे कि क्या है, समझ रहे होंगे कि क्या है। बाकी कोई किसी को भी कुछ भी डाउट होता है इस स्ट्रेटजी पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माफी चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आंसर एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लो, एक इस स्ट्रेटजी में हमेशा एक बात याद रखो, पहले तो काफ़ी सारे चार्ट आपको ओपन कर लेने हैं, दूसरी बात ये कि जब भी ये स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो, जैसे ही ये वाइट कलर की लाइन को ये कैंडल को कोई भी कैंडल टच कर लेती है, चाहे वो रेड कलर की कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो, तो आपको उस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी है, आपको एक कैंडल बनने का वेट करना है। एक कैंडल जैसी बन जाए फिर अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो आपको, मतलब फिर अगली कैंडल पे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, वेट करके ट्रेड लेना है। अभी मार्केट अप ट्रेंड पे जा रहा है, बट मुझे जहाँ तक लगता है
यहाँ से कंफर्मेशन ज़रा सी मिली तो फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि अभी तक इस लाइन को हिट नहीं किया है इस पॉइंट ने पर्टिकुलरली। अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड पे ही है मार्केट और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए अप ही रहेगा, बट मेरे लगने पर कुछ नहीं होगा यार। बिना बिना स्ट्रेटजी के हम आगे नहीं रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पूरी स्ट्रेटजी के साथ ही आगे जाएंगे। अब ये यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही गड़बड़ी चल रहा है, दो कैंडल रेड बन रही है, दो कैंडल ग्रीन बन रही है, तो ये भी नहीं वर्कआउट करने वाला है प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे भी कन्फर्मेशन कुछ खास नहीं है हमारे पास, बट फिलहाल तो कुछ भी करके ये ट्रेड लेनी है हमें और अच्छे से ही लेंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़रूर लग रहा है इस ट्रेड को लेने में, बट पेशेंस अगर आपके पास होंगे, और पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हो, तो पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पेशेंस के आप सच्ची में इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे, और ना ही कुछ कर सकते हो, अभी भी नहीं कर पाओगे और ना ही आगे कर सकते हो। अगर आपको इस फील्ड में कुछ करना है तो पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके लिए। ठीक है, पेशेंस होने चाहिए, पेशेंस होंगे तभी आप जीतोगे। इमोशनल ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं जाना है, ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, आपको पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यार, आप कैंडल्स ऊपर जा रही हैं बहुत ज़्यादा, और हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए अगर चाहें तो, एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ओ यहाँ पे हमें मौका मिल गया है एक डाउन लेने की ट्रेड, और मैंने डाउन के लिए प्लेस कर दी है, और $100 की इन्वेस्टमेंट है। हल्का सा शायद मैं लेट हो गया, बट फिर भी काफ़ी अच्छी ट्रेड है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से यहाँ पे मार्केटिंग इम्पैक्ट आया है। अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, एक ग्रीन कलर की कैंडल के बाद दूसरी जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो आसमान को ही जाके टच करके आ गई है। तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले ली है, और अगर प्रॉफिट होता है तो $186 का होगा, और लॉस होता है तो भाई फिर तो $100 का लॉस होगा रियल अकाउंट में, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। चलो देखते हैं क्या होता है, और ट्रेड लेने के पीछे क्या रीज़न था आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट है ट्रेड, वो जो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम जीत गए हैं, जो टाइम था बहुत ही कम समय के लिए था, बट अगर यहाँ पे आप 2 मिनट का टाइम भी सेलेक्ट करते तो भी डेफिनेटली आप जीतने ही वाले थे। टाइम जो है 1 मिनट का ही सिलेक्टेड था, तो हमारा जो फंड हो गया है टोटल $438 का। अब जो है एक ट्रेड और देखते हैं यहाँ पे, अगर लेने की ले अगर अच्छा सा मार्केट मिला, अच्छा सा न्यूज़ मिला तो एक और ट्रेड लेंगे। बट गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए क्या होता है इस मार्केट के पीछे, जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलती है आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन कंफर्मेशन मिलने में कई बार टाइम भी लग जाता है। देखो चेक कर पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने 2 मिनट के लिए ट्रेड लेने की थी नीचे, बट वो अनफॉर्चुनेटली 1 मिनट का ही सिलेक्ट हो गया। बट क्योंकि यार जब जब कंफर्मेशन मिलती है तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि चीज़ों को देखने का, टाइम देखने का, इन्वेस्टमेंट देखने का, अमाउंट देखने का, कोई टाइम नहीं होता हमारे पास। और अब यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ अपवर्ड के लिए, क्यों? और वो भी जो इन्वेस्टमेंट है $100 की है, वो आपको पता लग जाएगा क्यों क्यों मैंने ये लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सडनली मार्केट जो है मूव कर रहा है नीचे की डायरेक्शन पे, ठीक है, मार्केट मूव नीचे की डायरेक्शन पे कर रहा है, बट अभी एक जो कैंडल है फिलहाल आसमान को टच करके आई है, जो कि मेरे को लगता है अगर इतना ऊपर मार्केट गया है तो सडनली जो सेलर्स हैं इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे मार्केट पे। फिलहाल जो टाइम है वो 1 मिनट सेलेक्ट करके थोड़ी सी शायद गलती कर दी, टाइम 2 मिनट सेलेक्ट करना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, आर्टिकल पे चलेंगे तो दूसरा ट्रेड लेंगे वो ज़्यादा का लेके, हम ये जो लॉस है इसको डेफिनेटली कवर कर लेंगे। टाइम यहाँ पे 2 मिनट का होता तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हो सकता था। रीज़न क्योंकि अभी हमारे पास जस्ट 57 सेकंड्स हैं और मार्केट को बहुत ऊपर आना है, देखते हैं आ पाता है या नहीं आ पाता, बट उम्मीद करेंगे कि आ जाए। रीज़न यही है कि मार्केट जो है अभी फ़िलहाल के टाइम पे आसमान को टच करके आया था, और इतना ऊपर अगर टच करके आया है तो हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि इतना अगर ऊपर मार्केट गया है तो एक जनरल बात है, ये कोई स्ट्रेटजी के पीछे, यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है इसके पीछे, बस एक एक आइडिया है, जनरल आइडिया है, एक बेसिक आइडिया है, एक कॉमन सेंस है कि बायर्स अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो सडनली सेलर्स इफेक्टिव नहीं हो सकते मार्केट पे। यहाँ पे मुझे $100 जो है मेरा रिटर्न मिल गया है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और देखिए यार, अभी फिलहाल अगर मैं 2 मिनट के लिए ट्रेड लेता तो डेफिनेटली हम विन करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाना यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है 100% वर्क कर रही है यार, कितनी भी ट्रेड लो यहाँ से, बट दिमाग लगा के लेनी है और हमेशा जीतोगे। RSI की कंफर्मेशन ज़रूरी है, RSI चेक कर लेना, अगर वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो समझ लो कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट है, अगर वो स्टेबल है बीच में तो समझ लो कि फिर रुको, थोड़ा ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्कआउट कर रही है आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमें एक ट्रेड और प्लेस करनी चाहिए, जो मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा मौका दिख रहा है मुझे ट्रेड लेने का। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जो मार्केट है
ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे अपवर्ड की। बस थोड़ा सा कन्फर्मेशन और चाहिए मुझे, थोड़ा सा कन्फर्मेशन और चाहिए। RSI की तरफ से कन्फर्मेशन है कि हल्की सी नीचे जाएगी फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं, और यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गया और यहाँ से मैंने ट्रेड ले ली है अपवर्ड के लिए। इन्वेस्टमेंट है $100, टाइम है 1 मिनट और देखते हैं क्या होता है। टाइम एक्चुअली 1 मिनट 20 सेकेंड्स है, जो कि शायद अच्छा है टाइम। बाकी देखते हैं क्या होता है इस मार्केट पर और इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ, मतलब क्या होता है, हम जीतते हैं या नहीं जीतते। बाकी फ़िलहाल हमने जो स्टार्ट किया था ये सेशन ट्रेड लेना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारा जो बैलेंस था इनिशियली वो था $311। और हमेशा आपको कहता हूँ कि हमारा, हम चाहे ट्रेड हारें चाहे हम ट्रेड जीतें, उससे मतलब नहीं है। ट्रेड हारने जीतने से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब एक इनिशियल ट्रेडर की बात करते हैं, एक बेसिक ट्रेडर की बात करते हैं, एक बिगिनर की बात करते हैं, उसे हारने जीतने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जब भी आप ट्रेडिंग को बंद करो, आपका डे प्रॉफिट में एंड होना चाहिए, आपको आपके बैलेंस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तब जाके फ़ायदा होगा ट्रेडिंग का। अदरवाइज़ क्या कोई फ़ायदा नहीं है, फिर क्या मतलब है? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर, आपको एक टाइम पर लगेगा कि भाई क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर हम जीत गए हैं $182। बाकी अब देख लीजिएगा टाइमिंग का, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने यहां पे 1 मिनट की ले लिया, आप 2 मिनट की लोगे तो भी प्रॉफिट में रहोगे, 1 मिनट की रहो लोगे तो थोड़े से चांसेस कम होंगे जीतने के, बट यहां पे प्रॉफिट में ही रहोगे। देख लो अभी भी ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ट्रिक वर्क करती है। अब हमने जो इनिशियली स्टार्ट किया था $311 के साथ, अभी हमारा बैलेंस है $520। और उम्मीद करूंगा यार वीडियो पसंद आई होगी, और ट्रेड भी लेते हैं हम, और काफ़ी सारी ट्रेड भी ले सकते हैं इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, रियल अकाउंट में हम सारी ट्रेड ले रहे थे, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी फ़िलहाल ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना लोग प्रेफर नहीं करते और थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है फिर। तो इसीलिए यहाँ पे ही सेशन को क्लोज करेंगे, और उम्मीद करूँगा जो स्ट्रैटेजी है वर्कआउट ज़रूर करेगी बायनोमो के साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा यार कि लाइक कर देना यार वीडियो को, अगर अभी तक देख रहे हो तो पसंद ज़रूर आई होगी, क्योंकि अभी तक हम एक भी ट्रेड नहीं आ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को लेके। एक ट्रेड ज़रूर हमने ड्रॉ की थी, वो भी टाइमिंग की वजह से, क्योंकि बहुत ही कम टाइमिंग था वहाँ पर, ठीक है गाइज। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके जाना। और अगर बायनोमो एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली टाइम। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच, और उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ। धन्यवाद।